नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि जो आईएमपीटी क्वेश्चंस की सीरीज हम शुरू करने वाले थे बच्चों, समाज शास्त्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज करने वाले थे बच्चों शुरू, वह सीरीज अब शुरू हो चुकी है आप सभी बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं कि पहली सीरीज, पहला पार्ट इस वीडियो का आ चुका है बच्चों, जो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों करेंगे इम्पोर्टेंट में। इस इम्पोर्टेंट सीरीज में बच्चों 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को करेंगे। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे बच्चों, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए बच्चों इस वीडियो को कभी मत मिस करना। यदि आप समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो जरूर से इस वीडियो को देखें। यदि इस वीडियो को नहीं देखा बच्चों तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो हमारी सीरीज चलने वाली है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, सभी लोग बच्चों बड़े धैर्य के साथ क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन के तुरंत बाद आंसर लेके आया हूँ। आज कोई झोल झाल नहीं है बच्चों, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, क्योंकि जब इसके बाद टेस्ट होगा तो उसमें आंसर नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी होने वाला है। कौन बच्चा कितना नंबर लेके आएगा, सारी चीज़ें उस पर डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की यदि मैं बात करूँ तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में बच्चों आप लोग का आज 10 प्रश्न है। 10ों के आंसर्स आप लोग को दिखाई देंगे। मैं 10ों क्वेश्चंस को आपको कराने वाला हूं। और यदि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बच्चों 11 तारीख को हमसे जुड़ना ना भूलें, सेकेंड एनिवर्सरी पे, जो हमारी यूट्यूब की सेकेंड एनिवर्सरी है उस पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग 11 तारीख को जरूर जुड़े हमसे, ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों यदि मैं बात करूँ तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबरों का पूछा जाता है। और जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे बच्चों, सभी प्रश्नों को अब इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को जल्दी से जल्दी बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी चीज़ें बच्चों आप लोग के लिए जस्ट 1 मिनट डियर, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके डियर। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन है बच्चों, लैंगिक असमानता, अशिक्षित महिला, सती प्रथा विरोधी, राजनीतिक असमानता। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब है कि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया। तो बच्चों उन्होंने किया था सती प्रथा का विरोध। कब बच्चों? सती प्रथा का विरोध 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन जी ने किया था। और कहाँ पे किया था बच्चों? बंगाल में किया था। कहाँ पे? यदि प्रश्न ऐसे बन जाए, राजा राम मोहन ने बंगाल में किस अभियान का शुरुआत किया, तो अब बताओगे सती प्रथा। यदि कहेगा बच्चों सती प्रथा कहाँ पे शुरू हुआ, तो बताओगे बंगाल में। क्या बताओगे? बंगाल में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को क्या कहते हैं? बच्चों जो बुजुर्ग हैं और युवा पीढ़ी है, इनके बीच जो पीढ़ी अंतराल होता है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? यही प्रश्न आप लोग का है। सामाजिक प्रगटना, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक एकता, क्या कहते हैं बच्चों? 4 ऑप्शन हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, इनके बीच भी एक पीढ़ी अंतराल होता है बच्चों, पीढ़ी गैप होता है। उस गैप को हम कहते हैं सामाजिक प्रगटना, याद रखिएगा उसे आप लोग क्या कहते हैं बच्चों? सामाजिक प्रगटना, ठीक है। रैपिड फास्ट 10 क्वेश्चनों को कराने वाला हूं बच्चों, टोटली 10 क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, तो वीडियो लंबी नहीं होने वाली है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में खादान अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बच्चों भारत में खादान अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1952 ऑप्शन में, 1954, 1956 और 1958। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस में, किस अधिनियम में पारित हुआ था बच्चों? तो हुआ था 1952 में, 1952 में, क्लियर है। चलिए चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुआ था? कौन सा प्रदेश है बच्चों जो हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुआ? 4 ऑप्शन है आप लोग के पास, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, पंजाब,
राजस्थान, तमिलनाडु, ये चार ऑप्शन है बच्चों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चों, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है पंजाब। क्या है बच्चों? पंजाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया, किस राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया? चार ऑप्शन है बच्चों, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब उत्तराखंड। ओके बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मध्य सूची किस वर्ष तैयार हुई थी? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है बच्चों, 1927, 1932, 1935, 1940। तो बच्चों जो ब्रिटिश शासन काल में अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच की जो सूची है बच्चों, किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 1935 में, याद रखिएगा। ये कब हुई थी? 1935 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राज्य क्या है, राज्य क्या है? चार ऑप्शन है, एक समूह, एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति। तो बच्चों राज्य की यदि मैं बात करूं तो राज्य आप लोग का एक समुदाय होता है। क्या होता है बच्चों? समुदाय होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया चीज? राज्य एक प्रकार का समुदाय होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किन देशों को शामिल किया जाता है? तो चार ऑप्शन है बच्चों, विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, अति विकसित। तो बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किन देशों को शामिल किया जाता है बच्चों? उसमें शामिल किया जाता है विकासशील देशों को। किन्हें? विकासशील देशों को। ओके चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आठ बच्चों। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का? आठवां प्रश्न देखें, काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों आप लोग का। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मंडल है, मॉडल है, शामिल मॉडल है कौन है बच्चों? समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्ष, ये सभी। तो बच्चों यदि मैं बात करूं भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल की, तो समाजवाद भी होगा, प्रजातंत्र भी होगा, धर्म निरपेक्ष भी होगा, इसका मतलब कि उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिरसा मुंडा का संबंध किन आंदोलनों से था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखिए, चार ऑप्शन है आप लोग के पास, सामाजिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कामगार आंदोलन। तो क्या होगा बच्चों? जनजातीय आंदोलन से था। तो आई थिंक कि आप लोग के 10 क्वेश्चंस कवर कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही मैं और चार पार्ट लेके आने वाला हूँ एमसीक्यूज की, बहुविकल्पीय टाइप के, तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।